हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। द सुपर बॉय की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रिपेयर करेंगे ये जो प्रेस है, ये फिलिप्स की है डीवा नाम से। ये जो वायर है इसकी, ये जल गई थी और फिर ये काटनी पड़ी, तो आज हम इस वायर को जोड़ेंगे इसके अंदर। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके दो स्क्रू होते हैं, इन स्क्रू को खोलेंगे वन बाई वन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर जरूर करें। हम काफ़ी यूज़फुल वीडियो लेके आते हैं और जो कि आपको घर की चीज़ों में मदद करेगी। स्क्रू निकालने के बाद इसको आराम से निकाल लें। ये देखिए, ये हमने निकाल लिया है। ये वायर अटैच है यहाँ पर, इस तरफ ब्लैक है, इस तरफ रेड है, यानी कि बैक साइड से देखेंगे तो राइट हैंड साइड ब्लैक और लेफ्ट हैंड साइड रेड। तो सबसे पहले हम इस वायर को निकालने के लिए, ये इसके स्क्रू हैं, इनको खोलेंगे। ये जो इसकी क्लिप है इसको ज़रूर निकाल लें और निकालने के बाद इसको एक साइड में रख दें। ये निकाल, इसका जो नेक है वायर की, इसको निकाल लें। इसके बाद एक एक करके स्क्रू को खोलें। गाइज, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं काफ़ी लेट बढ़ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़वाने की हेल्प करें हमारी। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियो। ये देखिए, इसकी जो वायर है इसको ये कटी हुई थी थोड़ी सी, इसको और छील लेते हैं थोड़ा। हमारे पास ऐसे प्लग नहीं है, ऐसे प्लग नहीं है हमारे पास, तो ये प्लग जो है हमारे नहीं होने के कारण हमें ऐसे ही स्क्रू से ये वायर अटैच करनी पड़ेगी। राउंड राउंड लपेट कर इसको अच्छी तरह छील ले पहले। और गाइस, लूज कनेक्शन ना करें बिल्कुल भी, हमें वायर में कभी भी लूज कनेक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वायर जल सकती है। ये इस पर राउंड करके लपेट दें। बट गाइस, राउंड लपेटने से तो अच्छा है इसको बीच में से दो कर लें, इनको ऐसे करके दो कर लें इसके इससे। और तो ये राउंड राउंड जो क्लिप है बन जाएगी हमारी बिल्कुल। और ऐसे करके इसको और यूं लपेट दें जिससे कि आपकी वायरिंग जो है लूज नहीं पड़ेगी कभी और ना ही कटेगी। हाँ, सही कर दे क्योंकि तार नाजुक है। ये देखिए, ये हो गया बिल्कुल फिक्स, जैसे हमारी राउंड क्लिप होती थी ऐसे ही ये वायर भी फिक्स हो गई है। दूसरे को भी इसी एज इट इज खोलें, वायर को दो हिस्से कर दें और इस पर लपेट दें। गाइस, अगर आपको देखने में थोड़ी ब्लर सी दिख रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो हमारा कैमरामैन है वो नया है। देखिए, दोनों हो गई हैं और इसको एज इट इज हमारा लेफ्ट लेफ्ट साइड राइट साइड में था ब्लैक और लेफ्ट साइड में था रेड। इसको एज इट इज जहाँ पे जो सा कलर था उसी कलर का वायर लगाएं, नहीं तो हमारी प्रेस चलने के लायक नहीं बचेगी। और इसको टाइट कर दें। ये थोड़ी सी यहाँ पर ये दिक्कत आ गई, ये अपनी वायर जो है अपनी जगह छोड़ गया है, इसको प्रॉपर ही बैठाना होगा। आराम से बिल्कुल इसको तसल्ली से काम करें।
तो काम भी अच्छा होगा और करने में मज़ा भी आएगा। देखिए ये टाइट हो गया। और ये रेड वाला का निकल गया है पेच, इसको दोबारा छील कर वैसे ही दो हिस्से करके वायर के और दोबारा से इसे करा दें। गाइस इसी काम को आप अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास जाते हैं तो वो आपको 100 रुपये चार्ज कर देगा सिर्फ सीसी लगाने के लिए। हो सकता है वायर भी आपसे मंगा ले, पर ऐसा हम फ्री के पैसे क्यों दे किसी को जब ये 2 मिनट का भी काम अगर आसानी से हो जाए तो 2 मिनट का भी नहीं है, फंस जाए जैसे अभी फंस गया था इस अभी तो उसमें टाइम लगता ही है, पर काम तसल्ली से हो जाता है। और इसको के अंदर भी फिट कर दें इसको। गाइज अपने पैसे बचाने के लिए तो सब कुछ करना भी चाहिए क्योंकि करने से ही इंसान सीखता है। और जब ये प्रेस खराबी हो चुकी है तो इसको ठीक करने में डरना कैसा। देखिए ये वाली भी इसी तरह से होल से आउट हो गई है पिन, तो ये भी टाइम लगा रही है, कोई नहीं हो जाएगी आराम से। ये देखिए ये भी हो गई है टाइट। ये देखिए दोनों टाइट हो गई है बिल्कुल एज इट इज़, रेड एंड ब्लैक दोनों टाइट हो गई है। फिर उसके बाद हमने एक क्लिप खोली थी इसकी वायर की, इस क्लिप को लगाएंगे यहाँ पर और इसको भी एज इट इज़ टाइट कर देंगे। गाइस हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ घर वालों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। अब ये इसकी नेक लगाएंगे, जो इसकी नेक है हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उस पर कमेंट्स भी आए हुए हैं, तो उस कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस बार ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो कमेंट्स करते रहें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ये टेप इसमें लगी हुई है, ये टेप काफ़ी मोटी है जो कि नेक में नहीं जा रही है, तो इस टेप को उतार लेंगे क्योंकि हमें यहाँ भी 2 पिन का यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं इसको डालकर चल जाती है कि नहीं। देखिए गाइस इसकी पूरी टेप जो टेपिंग लगी हुई थी वो टेपिंग उतार दी है और अब इसको इस नेक में डालेंगे। वीडियो हमें पॉज करनी पड़ी क्योंकि वो टेपिंग जो है वो टाइट ज़्यादा थी, फंस गई थी वो, तो ये देखिए पूरी डल गई इसमें। और इस वायर को इस नेक को बिल्कुल एज इट इज बस आराम से बिल्कुल क्लिप में बैठा दे, हमारी नेक तैयार है। और इस वायर को यहाँ से निकाल ले इसके अंदर और इसको इस करके लगा दे।
बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल को बैठा लें और पेच को लगा दें, दोनों स्क्रू टाइट कर दें अच्छी तरह। गाइस बस कुछ लोग क्या करते हैं कि वायर बाहर से ही काट कर बाहर से ही जॉइंट कर देते हैं, जो कि जलने का काफ़ी चांस रहता है वायर का, तो इसलिए आप अंदर से ही डायरेक्ट जॉइंट करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जलेगी भी नहीं। और गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, और हमारी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जल्दी एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आता हूँ, और जिससे कि काफ़ी दिनों से वो वीडियो मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि मैं कहीं बिजी था। तो चलिए गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अपना ध्यान रखें और वैक्सीन लगवाते रहें। ओके बाय गाइस, टेक केयर।